दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मिलकर एक्सप्लोर करने वाले हैं सिडनी सिटी को। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से व्यूज बहुत ज़बरदस्त है। ये जगह कौन सी है, यहाँ कैसे पहुँचा, वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। हाय, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क। और ये वाला वीडियो देख के अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना मिस मत कीजिएगा। कल तो हम लोग आए थे सिटी में ट्रेन से, आज डिसाइड किया कि कार से जाते हैं, कन्वीनियंट रहेगा। सीन भी देखेंगे पार्किंग का कैसा है सीवीडी में। एक पार्किंग पहले 168 क्लियरेंस रोड है, वहाँ पे पार्किंग खोजी, नहीं मिल रही थी। लगा कि कहीं भटकना पड़ेगा या $100 वाली पार्किंग में पार्क करना पड़ेगा। के पीछे ही हिल्टन होटल है, हिल्टन के बेसमेंट में पार्किंग है, पे एंड पार्क। वहाँ थैंकफुली मिल गया, जहाँ पर मैक्सिमम कैप है $30, चाहे आप कितनी भी देर खड़ा करें। लेकिन 10 बजे के पहले चाबी लेनी पड़ती है रात को। 10 बजे के बाद अगर आप चाबी लेते हैं तो नहीं मिलेगी, अगली सुबह सुबह मिलेगी 7 बजे के बाद। वापस आ गए हम लोग बाहर स्ट्रीट पे, इसको बोलते हैं जॉर्ज स्ट्रीट। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन पे, सिडनी सिटी को एक्सप्लोर करते हैं साथ में मिलके। रात में माहौल आपको दिखाया था, दिन में देख लीजिए। यह है क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग। ये स्ट्रीट का रात को अलग मज़ा था, इस समय अलग मज़ा है, गजब लग रहा है। जॉर्ज स्ट्रीट स्ट्रीट पे टहल के हमें ज्यूरिक याद आ रही है। ज्यूरिक में भी ऐसे एक रोड है बानहॉफ स्ट्रासे, तो वो बहुत बढ़िया जगह लगी थी। डिट्टो वैसे ही ये भी है, ये देखिए टाउन हॉल। और ये है क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग और सिडनी की लाइट रेल सिस्टम। कल मैंने 2 ओपल कार्ड खरीदे थे, आपको दिखाया भी था, बैलेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था चिक्की और अनू का। कार्ड का कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए यहाँ से वापस से चिक्की का कार्ड लिया। ये जितने वूलवर्थ्स हैं ना, जितने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, हर जगह आपको ओपल कार्ड मिलता है। गूगल ने सर इसके बॉटेनिक गार्डन जाने के लिए बस से, जो बस सजेस्ट कर रहा है वो 2:26 पे आएगी, 20 मिनट है अभी भी। और ट्रैम काफ़ी फ्रीक्वेंट है, तो ट्रैम से सर्कुलर की जा सकते हैं, वहाँ से पैदल जा सकते हैं, तो वही ऑप्शन चूज़ करें फिलहाल हम लोग। तो ये जगह बड़ी मस्त है, कितनी बार भी बोलूँ मज़ा आ रहा है। बहुत लोग हैं सिडनी में, पूरी ऑस्ट्रेलिया लग रहा है इधर ही रहती है। दो दिन में पहली बार ऐसा हुआ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैम, लाइट रेल जो बोलते हैं, इसको बैठने की जगह नहीं मिली, पूरा पैक्ड है। ये जो लाइट रेल वाला सिस्टम है ना, मुझे बड़ा पसंद है। न चढ़ना है न उतरना है, प्लेटफॉर्म पे जाना आना, रोड टू रोड ट्रांसपोर्ट, बढ़िया स्मूथ। जहाँ पे कार पार्क किया हिल्टन के पास से, वापस से सर्कुलर की पहुँच गए। एक तरह से हार्ट मान सकते हैं इसको, सिडनी का सीबीडी का हार्ट, क्योंकि यहीं से फेरी सिस्टम शुरू होती है, यहाँ पर ट्रैम है, ट्रेन है, सब कुछ। वाइल्ड लाइफ देखिए सड़क पर, सीगल्स, हमारे जैसे कबूतर होते हैं वैसे यहाँ सीगल्स होती हैं। वैसे तो सिडनी में देखने के लिए बहुत कुछ है, म्यूजियम्स हैं, आर्ट गैलरीज हैं, बच्चों के साथ आएंगे तो एक्वेरियम है, काफ़ी अच्छा है एक्वेरियम। हम डिसाइड करके आए थे कि इस बार एक्वेरियम नहीं देखने वाले हैं, पर और जो हम लोग कर रहे हैं वो भी बढ़िया एक्टिविटी है, वॉक सिडनी स्ट्रीट्स पे। साइकिल चलाने आता है तो ये सब भी अच्छा ऑप्शन है सिटी एक्सप्लोर करने का। ऐप बेस्ड है सारी, क्यूआर कोड लगा है, स्कैन कीजिए, पे कीजिए, अनलॉक कीजिए और घूम लीजिए सिडनी को। अभी हम लोग आ गए रॉयल बॉटैनिक गार्डन में। ये वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एक्टिविटी है सिडनी में करने के लिए, क्योंकि बोलते हैं गार्डन से
हार्बर, हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं और गार्डन बहुत सुंदर है। अभी दिखाता हूँ आपको कैसा है गार्डन। यहाँ एंट्रेंस पे ही मैप बना दिया ताकि आप भटके ना, आपको बताओ आप कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बॉटनिकल गार्डन्स देखना, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके कमेंट में बताइए। लास्ट ईयर मैं गया था जापान टोक्यो में शिंजुकू में एक गार्डन था, उसी टाइप के गार्डन की फीलिंग यहाँ पर भी आ रही है। बहुत वास्ट, बहुत ही बड़ा, एग्जैक्ट कितना बड़ा साइज है मैं चेक करके डाल दूँगा यहाँ पर, बट बहुत बड़ा है और बहुत सारे गेट्स हैं एंट्री के लिए अलग अलग हिस्से से। सिडनी आ रहे हैं तो इस गार्डन को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। वो जो पीछे पेड़ पे एक चिड़िया बैठी है ना, उसका नाम है लाफिंग कुकाबुरा। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कुकाबुरा एक ब्रांड है, एक कंपनी है जो बॉल्स बनाती है क्रिकेट के। इसी चिड़िया से नाम लिया गया है उस कंपनी का, उस बॉल का, उस ब्रांड का। गुलाब के प्लांट्स बहुत देखे होंगे पर गुलाब का पेड़ नहीं देखा होगा आज तक, आई एम श्योर। ये देखिए कितना बड़ा। लोरा के साथ साथ फौना भी है, काफ़ी अलग अलग तरह की बर्ड्स दिख रही हैं यहाँ पे। ये पीछे एक और एंट्रेंस और पीछे भाई साहब स्टाफ हैं यहाँ के, उन्होंने फिर से वार्निंग दी हर जगह की तरह, 4 बजे बंद कर देंगे, 4 बजे तक जितना घूमना घूम लीजिए। जैसे मैंने बोला ना बहुत बड़ा है, मतलब 4-5 घंटे ले गए ढंग से एक्सप्लोर करना है तो उस गार्डन को। बड़े बड़े हरे भरे मैदान, अलग अलग लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, और बेस्ट पार्ट है इस गार्डन में घुसने के लिए कोई फीस नहीं है, एंट्री फीस नहीं है, फ्री टू एंटर है। ये है बॉटनिकल गार्डन का एक छोर, जहाँ पे खड़े होकर आप हार्बर के और पीछे ओपेरा हाउस के व्यूज़ देख सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ इन सिडनी। और यहाँ से सनसेट भी बहुत प्यारा दिखेगा, सनसेट तक तो मैं वेट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं, समर्स में आ रहे हैं, तो मोर ऑर लेस इसी होराइज़न में सनसेट होता है, बहुत प्यारा लगता है। अगर पिछला सनसेट जो मैंने कल फेरी से लिया था वो देखना मिस किया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। और सामने चूँकि हार्बर है तो कार्निवल स्प्लेंडर खड़ा है, मैसिव क्रूज शिप। बॉटनिकल गार्डन के अंदर से आप स्टेयर से उतर के सीधे पहुंच सकते हैं ओपेरा हाउस। पूरी वॉक बड़ी मज़ेदार थी, गार्डन के अंदर घुसी है, बहुत सुंदर लश वाइडली स्प्रेड गार्डन, टहलते टहलते निकल आइए आप ओपेरा हाउस के पास। बॉटनिकल गार्डन के बहुत सारे गेट्स हैं, उन गेट्स में से एक ये है सीधे ओपेरा हाउस के पीछे, जहाँ से पूरा ओपेरा हाउस एक साथ नज़दीक से देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पीछे जो वो ग्रीन कलर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, वहीं पर टरुंगा जू है। कल मैंने टरुंगा जू देखा था, अगर वो वाला वीडियो देखना मिस किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक कर लीजिएगा। क्या ही बोलूँ, कितनी तारीफ करूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये जो पीछे आप ओपेरा हाउस देख रहे हैं, बेसिकली कन्वेंशन सेंटर है, इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, फेमस है जहाँ पे बना हुआ है, इसकी वजह से ये सिडनी की पहचान बन गया, आइकॉनिक लैंडमार्क ओपेरा हाउस ऑफ सिडनी। और अगर आप इसका टूर लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल ऑप्शंस, ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, अंदर से घुमाते हैं पूरा, या फिर किसी इवेंट का टिकट लेके आप अंदर जाएंगे तो भी देख सकते हैं। ओपेरा हाउस के नीचे है हाउस कैंटीन, यहाँ पर हमने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी गर्म और ठंडी। सरप्राइजिंगली इनके पास वेजिटेरियन सुशीज़ भी हैं काफ़ी सारे। ओपेरा हाउस के नीचे काफ़ी बड़ा सा अड्डा है खाने पीने का, इस जगह के हिसाब से प्राइस भी ठीक है, 3 आइटम मिला के लगभग $19 का, लगभग क्या पूरा $19 का ही है। और पीछे जो ये जो ब्रिज है ना, हार्बर ब्रिज, ये सब देखने के लिए ना, इसके ऊपर एक्टिविटी भी होती है, आप चाहे तो वॉक करके ऊपर तक जा सकते हैं टॉप तक, काफ़ी एडवेंचरस है और पैसे भी काफ़ी लगते हैं, कितने लगते हैं वो मैं बता दूंगा स्क्रीन पे लिख के, वो एक्सपीरियंस थ्रिलिंग होगा, एडवेंचर पसंद लोगों को आई एम श्योर मज़ा आएगा।
मेरे ख्याल से सिडनी में चिल पाने के लिए इससे अच्छा स्पॉट नहीं होगा। बढ़िया है, ड्रिंक्स लेके बैठ जाइए और एंजॉय कीजिए व्यूज को। अगर आप बियर वाइन ये सब पसंद करते हैं, लाइन लगी हुई है सबके टेबल पे, मुझे बियर वाइन की ग्लास ही दिख रही है। ये कॉफी पे डेकोरेशन करके दिया, कितनी मीम बन चुकी है, इसको लोग पन्नी में पलट देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है डेकोर है इसका। और विंडो से डेकोरेट किया, देख लीजिए आप भी। मैं खाली बैठे हुए लोगों को चिल्लाते हुए देख के बड़ा आश्चर्य कर रहा हूँ, क्योंकि आज है ट्यूसडे, दोपहर के बज रहे हैं 4, इतने सारे लोग यहाँ चिल मार रहे हैं। काम धंधा करते नहीं तो चिल मारेंगे, पैसा कहाँ से आता है? पता नहीं लोकल हैं, टूरिस्ट हैं, कौन है। ये सब जो डब्बे से दिख रहे हैं टॉयलेट्स हैं, रेड मतलब इंगेज है, ग्रीन मतलब खाली है ऑब्वियसली। बड़ा अजीब सा और यूनिक सा डब्बे टाइप का है ये। यहाँ पे बेगिंग नहीं होती है, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेज होती हैं, जिसके लिए आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ डोनेट करें। हमने कई बार कई स्ट्रीट परफॉर्मेंस को डोनेट भी किया, आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंसेज में मेहनत लगती है और उनकी रोजी रोटी इससे चलती है। हर्ष के घर से ड्राइव करके मैं पहुंच गया हूं बोंडाई बीच। आज हमारी 6:40 की फ़्लाइट है और घड़ी बज गए 4। यहां से भागना एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे गाड़ी देनी है कार रेंटल कंपनी को वापस, उसके बाद फ़्लाइट लेनी है मेलबर्न की। बातों में टाइम का पता ही नहीं चला और काफ़ी देर हो गई यहां पहुंचते पहुँचते, 15-20 मिनट ही शायद रुक पाएंगे। बोंडाई बीच देख लेंगे, उसके बाद यहां से चलेंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारे काम है और ट्रैफिक भी हो जाएगी शाम। पर बहुत ही ज़्यादा मस्त है यार, बहुत ही फेमस बीच है ये, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। आज तो खैर वीकडे है, उतने लोग नहीं हैं, वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अनु और चिक्की पहले ही आ गए थे, मैं पार्किंग टिकट ले रहा था। वहाँ उधर इस कॉर्नर में ना एक नेचुरल पूल है, जब हाई टाइड होता है तो पानी इसके अंदर भर जाता है। फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे बीचेज में इस तरह के नेचुरल पूल बनाए हुए हैं, हाई टाइड में पानी भर जाता है। बीच सर्फिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे आपको सर्फर दिखेंगे दूर दूर तक कहीं भी देखिए, सर्फर ही सर्फर। बीच के पीछे ये टाउन है, टाउन का नाम भी बोंडाई है, और इधर ही है बीच पे पार्किंग। पार्किंग सुपर एक्सपेंसिव, $1 मैंने सुना है कि कुछ ऑफ स्ट्रीट पार्किंग फ्री होती है कुछ दूरी पे जाके, 1-2 किलोमीटर पे। अगर आप पैसा बचाना चाहें वो कर सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था तो पैसा बचाने का सवाल नहीं पैदा होता था। यहाँ दीवार पे बहुत ही बढ़िया पेंटिंग की गई है, चारों तरफ जितने भी वॉल्स हैं। पीछे वहाँ स्केट पार्क है, फैसिलिटीज़ बहुत है ऑस्ट्रेलिया में, कोई डाउट नहीं है। इतने कम टाइम के लिए कभी भी किसी बीच में मैंने टाइम नहीं स्पेंड किया था। अब लोग क्यों इतना लेट आए नहीं पता, थोड़ी देर तो चिल मारी जा सकती थी लेकिन नहीं मार पाए। खैर जो भी है, अच्छा बीच है, ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, सिडनी आ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लेके आइएगा स्पेंड करने के लिए यहाँ पे। रेंट की भी गाड़ी अल्फा को वापस कर दी मैंने, और गाड़ी इन्होंने चेक कर दी है, इनके हिसाब से सब ठीक है, और जो डिपॉजिट ले रखा था उसको वापस से वॉइड कर देंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। बाकी टोटल जो पेट्रोल मैंने यूज़ किया कुछ $85-86 के आसपास लगा, और 5 दिनों में कम से कम 700 किलोमीटर तो मैंने गाड़ी चलाई होगी एटलीस्ट। टोल का कितना पैसा आया जब मेरे क्रेडिट कार्ड पर आएगा तो मैं आपको स्क्रीन पर लिख के बता दूंगा। कन्वीनियंट है कार रेंट लेके घूमना ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली सिडनी में। अभी जा रहे हैं हम लोग शटल पकड़ दें, शटल पकड़ के जा रहे हैं एयरपोर्ट। जिस दिन मैंने कार पिक की थी उस दिन भी आपको दिखाया था, ये रिसेप्शन है पार्क एंड किंग का, और यहाँ से वो शटल से पहुँचा देते हैं वापस एयरपोर्ट पर, जिस भी टर्मिनल पर जाना है। ड्रॉप कर दिया भाई साहब ने हमें अपनी शटल में, 5 मिनट भी नहीं लगे। जितनी देर में शटल में आने में नहीं लगा उससे ज़्यादा पैदल जाने में लगेगा। बेसिकली हमें ड्रॉप किया गया है अराइवल एरिया में, जहाँ से गए थे वहीं आए हैं, यहाँ से लिफ्ट पकड़ के जाना है अपस्टेयर्स। डिपार्चर एरिया जेट स्टार का,
ये सिडनी एयरपोर्ट के डोमेस्टिक काउंटर का चेक इन डेस्क, उसके ठीक पीछे हो रही सिक्योरिटी, काफ़ी सारे काउंटर्स हैं थैंकफुली। पहले लगा था कि बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना स्मूथ था चेक इन प्रोसेस, सिक्योरिटी प्रोसेस फटाफट से हो गया और टाइम काफ़ी था, तो कॉफ़ी पी सकते हैं। यहाँ से फ्लाइट है मेरी एवलॉन की, दो एयरपोर्ट्स हैं मेलबर्न के पास, एक तो है एवलॉन, दूसरा है मेलबर्न का एयरपोर्ट। मैंने एवलॉन पिक किया क्योंकि वहाँ के पास एक टाउन है जिलोंग, जिलोंग से आप ग्रेट ओशन रोड रिलेटिवली आसानी से कर सकते हैं। ग्रेट ओशन रोड क्या है आप लोग आगे देखेंगे। बाकी यहाँ से फ्लाइंग टाइम है कुछ सवा घंटे के आसपास, सवा डेढ़ घंटे के आसपास। तीन लोगों की फ़्लाइट जो पड़ी है मैं कुछ 10-11 के आसपास पड़ी, और मेलबर्न वाली फ़्लाइट थोड़ी सी महंगी थी इससे। ये मैं दो बैग्स चेक इन बैग्स के साथ बता रहा हूँ, उड़ता हूँ जेट्स का एक्सपीरियंस एक बार कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ कैसा रहता है इस फ्लाइट का।